क्या समझती अपने आप को? क्या समझती हो? बार बार आओगी, मेरी जान नहीं छोड़ोगी? बार बार आओगी ना, बार बार बस हो गया ना मुझे, अंजाम तक पहुंचा लो मुझे भी सारा बेटा को जिंदा रहना है, रहना है तुम्हारे साथ, जाए जाए कुछ कुछ भी जाए जाए अपने से बाहर बाहर में बास बास भी नहीं था, सारा बेटा को जिंदा रहना है, जिंदा रहना है। आप इसे गाड़ी हटा पीछे सारी। तुमने तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर ही नहीं बनने दिया जो डैमजल इन डिस्ट्रेस को बचाने आता है। मैं बात भी एक ही नहीं रखती, इसीलिए अपनी अकल और अपना होश तुम घर पे छोड़ के एक सीरियल किलर के पास अकेली चली आई। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो मुझे मारने की कोशिश करेगी। सारा, शी किल्स एवरीवन शी लव्स। मुझे लगता है कि तुमने उसे इंस्पायर किया है। वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। बिस्किट कहाँ? कौन सा बिस्किट? मीठे या नमकीन? शुगर फ्री बिस्किट ले आओ। चाय में जहर नहीं है जो तुमने मुझे दिया था। आपको कैसे पता? तुम्हारे घर से मग उठा रही थी और रिपोर्ट भी आ गई। पुलिस वालों का क्या है, खुद चाय में जहर डाल? एक कप में डालेगा ना पुलिस वाला, इतने सारे लोगों को जहर क्यों देगी पुलिस? बतूल उर्फ बाबरा उर्फ बेबी <laughs>
इतने सारे नामों से बुलाएंगी। तुम बताओ कौन सा नाम तुम्हें पसंद है उससे पुकारती हूँ। बेनाम। मैं तुम्हें बाबरा के नाम से पुकारूंगी क्योंकि मैं जानती हूं तुम्हें ये नाम बहुत पसंद है। बाबरा नाम पसंद तो मुझे बहुत है, बाबरा जी के नाम पे रखा था। सब लोग कहते हैं मेरी उनसे शक्ल मिलती है। बताएं आपको लगता है जरिश को क्यों मारा? आपको किसने कहा मैंने मारा? सारे सबूत मिल गए हैं, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। आपके पास जितने सबूत हैं, एक अच्छा वकील अदालत में उसकी धज्जियां उड़ा। ना सिर्फ वो बैग लेके तुम्हारे घर में आता है जिससे लाश मिलती है, जरिश तुम्हारे घर में आती है लेकिन वापस नहीं जाती। तुम चादर और हाई हील्स पहन के जाती हो फिर भी कह रही हो कि एक अच्छा वकील इन सारे सबूतों की धज्जियां उड़ा देगा। Really? एनी शाहिद है आपके पास? वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? आई विटनेस। आई विटनेस है आपके पास? आई विटनेस की जरूरत नहीं है हमें, हमारे पास लाश है, बल्कि लाश है और हर लाश तुम्हारी तरफ इशारा कर रही है। लाशों के इशारे से कातिल मिलते हैं क्या? तो तुम अब भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हो? नहीं, साबित करें। इसे देखो। ये क्या है? जरिश का हाथ है, उसकी उंगली को गौर से देखो, लगता है ना यहाँ कुछ था, कोई अंगूठी, उसकी मंगनी की अंगूठी। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ में जो रिंग है जरिश की, उसकी मंगनी की अंगूठी। कोई अपनी मंगनी की अंगूठी किसी और के हाथ में क्यों देगा, वो भी तुम्हें। इससे कैसे साबित होता है कि कत्ल मैंने किया है? सरिश मेरे पार्लर आई थी, उसने अपनी अंगूठी उतार के साइड टेबल पे रखी, मैंने उठा के पहन, यही सोचा था कि जब वो वापस आएगी तो मैं उसको वापस कर दूं, तो वो वापस नहीं आए। पॉइंट इज वैलिड। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फुरकान को जानती हो? कौन फुरकान? मैं किसी फुरकान को नहीं जानती हूँ। करीब करके देख लो, आराम से देख। तुम्हारी वीडियो है ना फुरकान के कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव से मिली है, और भी बहुत कुछ मिला है। ये फुरकान बॉयफ्रेंड था मेरा, ऐसी और भी वीडियोस होंगी, और भी तस्वीरें होंगी। सोडियम साइनाइड से मरा है, जिससे सरिश मरी है, जिससे नासिर मरा है, जिससे असलम मरा है। बाबरा जी, ये सब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना? सारा जी, ये दुनिया बहुत अजीब जगह है, यहाँ बहुत अजीब अजीब इत्तेफाक हो जाते हैं। वैसे ये सोडियम साइनाइड है क्या? जहां तक मेरा नॉलेज है, हकीम फारूक काफी तफसील से आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गई हैं तो इजाजत दीजिए, बुलाती हूँ फिर एक्सप्लेन कर देंगे। जरूरत नहीं, चार मर्डर की कम अज कम फांसी है, सजाए मौत। तावन करोगी तो उम्र कैद है, सोच लो। उम्र कैद बहुत दफा काट चुके हैं, अब क्यों काट? फांसी दिला, अगर दिला सकती हैं तो। जिंदगी बर्बाद करने जा रही हूं अपनी, कसूर मेरा है। मैं तुम्हारी लव स्टोरी की विलन नहीं। आपसे जुदाई उसकी रिहाई है। इश्क है नेमत, रब की है रहमत, हो नसीब सबको ये मुमकिन। तुम टूटे हुए रिश्ते जोड़ना चाहते हो,
लेकिन पहले दिल जोड़े जाते। देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।